नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। 25 जुलाई को इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। विधेयक पेश हो सके इसके पहले ही सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इसे लेकर AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इससे दिल्ली में लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगा। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीनकर भाजपा के नियुक्त किए गए LG को दे दी जाएंगी। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पर CGI चंद्रचूड़ ने 17 जुलाई को कहा कि हम ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह के संशोधन कर सकता है या नहीं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि संविधान का आर्टिकल 246 संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। केंद्र के अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इससे मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।